हेलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है अपने सामने देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन 5 रेड 8 ग्रीन 7 व्हाइट बॉल। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन अ व्हाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल, ठीक है। नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ रेड बॉल। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बॉल निकाल ली बेटा? अ व्हाइट बॉल और अ ग्रीन बॉल, ठीक है। देखो पहले वाले में, अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, 5, 8, 7, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं सी को, 5, 8, 7, कितना हो जाएगा हमारे सामने ये 20, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? व्हाइट बॉल। तो कितनी व्हाइट बॉल है बेटा अपने पास? देखो ध्यान से, 7, ठीक है। और यहां पर कितना बोला है उसने? ग्रीन बॉल। कितनी ग्रीन बॉल है हमारे पास? 8। तो इसका आंसर कितना हो गया? 15/20। अब ये देखो दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 3/4, ठीक है। सेकंड वाला देखो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल बॉल तो अभी भी कितनी है हमारे पास? 20। उसने क्या बोला है? नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ रेड बॉल, मतलब ना हमारे पास ग्रीन बॉल आनी चाहिए, ना हमारे पास क्या आनी चाहिए? रेड बॉल। तो देखो ग्रीन नहीं लेंगे, रेड नहीं लेंगे, तो ये रही ग्रीन, ये रही रेड, ये दोनों नहीं लेनी। तो कौन सी लेनी है हम लोग को? केवल व्हाइट लेनी है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 7/20। थर्ड देखो क्या बोला है, नॉट अ व्हाइट बॉल, मतलब अब हमें व्हाइट नहीं लेनी, बाकी दोनों लेनी है। अब अगर व्हाइट नहीं लेंगे, ठीक है, तो कौन सी लेनी पड़ेगी? रेड वाली और ग्रीन वाली। तो 5 इधर से 8 इधर से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 5+8/20, कितना आंसर आ गया? 13/20। तो तीनों के आंसर ये रहे तुम्हारे सामने।